चीनीख्रक नाइट नाइजों ताहुक्त बहुत सौ नर नई नई दीपर गहम याफारे चीनीख्रक मांगली लाम सगो चुनाव हाई नई चम्पक नगर तई चम्पाबारी विलेज कमिटी ने यागुल हाई नई फाइस पैखा खामटिंगबारी विलेज कमिटी बुस्कांग दिन जो नुगैमानखा ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी त्रिपुरा तई अंजीसी त्रिपुरा आगतलाई सेट नि तीदुलमुंग आमचाई बियालो काजाजाक लुकुरक सुबाचु खाइजाक टंगमानी अब हाइकन आगो जरा कक सोनानी चाहटकनाई अंजीसी ने टांगकरा आगतला ने एसेट मैनेजर तरुण मल्लिक भाई सर से यही मैं पूछना चाहता हूँ कितना फैमिली को आप टारगेट कर रहा है, कितना फैमिली को अभी दे चुका है, लगभग कितना अमाउंट आप खर्च कर रहा है अंजीसी की तरफ से? इसमें ऐसा है कि अभी तो हमने काफ़ी समय से शुरू कर दिया है और अभी तक करीब करीब 11,000 फैमिलीज़ का जो है हमने प्रोविज़न किया है जो इम्प्लीमेंटेशन में है। और हमने स्टार्ट किया था पहले धलाई डिस्ट्रिक्ट से, जो कि हमारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा स्टेट का। वहाँ पे हमने जो है 2 वेंटिलेटर मशीन दिए हैं और वहाँ के DM के थ्रू हमने करीब 40 लाख का ऑलरेडी जो खाने पीने का सामान है, एक एक महीने का राशन जो है, और वो भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके खाने पीने के हिसाब से ही हमने वो अरेंज किया है। और साथ साथ में हमारा ये जो है एफर्ट ऐसा है कि जो एक हमारे ऑपरेशनल एरियाज हैं, जैसे सोनामुरा है, बारामुरा है, ADV है, रोखिया है, इन सब के इलाकों के आसपास भी हम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारा ONGC नहीं भी है, प्रेजेंस नहीं भी है, वहाँ भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचें। और ये आगे हमारा और पाइपलाइन में थोड़ा सा और प्रपोजल भी है। और आप समझते होंगे कि जो है इस समय ऑयल इंडस्ट्री जो है वो खुद एक बड़े ख़राब फेज से गुजर रही है, जो सारी दुनिया जानती है इस टाइम क्या हाल हुआ पड़ा। बावजूद उसके ONGC ने एक तो सीधा सीधा पहले 315 करोड़ रुपया जो है PM केयर्स फंड में दिया है, अलावा उसके हमारे जो साथी ONGC वाले यहाँ पे हैं उन्होंने अपने पर्सनल बेसिस पे भी अपने खुद की सैलरी तो वो अलग है, उसके अलावा लोगों ने लोकल लोगों की हेल्प के लिए अपना पर्सनल जो है पैसा इकट्ठा करके उससे भी काफ़ी फैमिलीज़ का हेल्प किया है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि जितने भी लिमिटेड फंड्स हमको अब जो मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो ऑयल इंडस्ट्री की भी अब हमारी भी एक एक्सरसाइज चल रही है कि हम अपने खर्चे को यह कम से कम करें, बावजूद उसके हमारा ये एक पक्का जो है इस तरह प्रयास रहेगा कि हम जितना भी हो सके यहाँ पर हमारी जो गरीब जो परिवार हैं जिनके लिए खाने पीने का इस समय दिक्कत है,
सारी रोजी रोटी के जो काम हैं वो काफ़ी बंद हो गए थे, जो धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम ये हमारा प्रयास जो है चालू रखेंगे और लोगों की हेल्प करते रहेंगे, और हमारे सारे जो कलेक्टिव्स हैं और जो सारा हमारा मैन पावर है, दो तरीके से वो त्रिपुरा स्टेट के लिए जो है अपनी पूरी जी जान से काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथी जो हैं वो जो 14 दिन ऑन ऑफ पीरियड में काम करते हैं, वो ऑलरेडी उनको 50-50 दिन से ऊपर हो गए हैं और वो उतनी ही मेहनत से और उतनी ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। वेल्स की ड्रिलिंग चल रही है, इंस्टॉलेशन में प्रोडक्शन हो रहा है, और जो ONGC का जो एक पुराना हमारा एक जो इतिहास है कि हमने बहुत ही जो कठिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंदर सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, हर जगह हर स्टेट में जो ONGC ने हमारा इतिहास रहा है कि हमने हर जगह ख़राब वक्त में भी अपने काम चालू रखे हैं, उस तरीके से त्रिपुरा एसेट में भी ONGC उसी तरीके से काम करती हुई जा रही है। और हमें विश्वास है कि हमारे साथी जो अपना पूरा मनोबल बना के इंस्टॉलेशन में रिग में काम कर रहे हैं वो आगे चलता रहेगा। आपने जो बोला PM के फंड में आप डोनेट कर चुका है, अभी CM के फंड में डोनेट करेंगे या कर चुका है? वो उसका जो है वो सेंट्रल से ही जो है वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लोकल लेवल पे हम ऑलरेडी जो है करीब इसमें करीब 1.5 करोड़ तक का जो है हमारा ऑलरेडी, जिसमें से 70-80 लाख तो इमीडिएटली सैंक्शन हो चुका है, और हमारा अभी आगे और जो आएंगे हमें लग रहा है कि हम करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का और यहाँ पर इस तरह से लोगों का हेल्प कर पाएंगे। मलिक सर जी, ये बात लास्ट में पूछना चाह रहा हूँ, आप तो पहले भी रिमूव एरिया में जा चुका है त्रिपुरा का बाहर अंदर तक, तो अभी रियल कंडीशन रियल पिक्चर क्या है जो गांव का लोगों का क्या देखा है हमने? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं तो यहाँ वैसे 2 महीने पहले ही आके मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, फिर भी जो मैंने जो यहाँ मालूमात किया है, जो मुझे पता लगा है कि इस ये जो कोविड के कारण जो ये परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो गई हैं उसके लिए पोजीशन तो देखिए ख़राब है, लोगों की रोजी रोटी जो है पे असर पड़ा है, जो हमारे लेबर्स जो हमारी साइट्स पे काम चलते थे या इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम चलते थे वो सब पे काफ़ी असर पड़ा था, जो धीरे धीरे वापस जो ये ग्रीन जोन होने के कारण जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे भी हमने जितने प्रोजेक्ट्स बंद किए थे हमने उनको वापस चालू कर दिया है, और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हमारे काम जो है स्टार्ट हमने किए हैं, और उससे भी जो है लोकल लोगों को जो डेली लेबर टाइप के जो लोग हैं उनको भी काम मिल रहा है, और जितनी भी हमारी तरफ से जो सहायता हो सकती है ONGC अपनी पूरी दिन रात लग के हमारे ऑफिस के लोग जितने भी, क्योंकि ये हम क्या है कि बीइंग ए गवर्नमेंट कंपनी हम हर चीज़ ऐसे उठा के सीधा नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रोसीजर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, पूरे करके ही वो सब पूरा करके देना पड़ता है, तो दिन रात लोग जो है उस चीज़ में लगे हुए हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, हम लोग डेली कम से कम दिन में छुट्टी वाले दिन भी 8-10 घंटे छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं, बाकी दिन तो हम 12-13 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, ये ऑपरेशंस भी चलते रहें और ये इस तरह का जो समाज की तरफ जो ONGC का सहयोग है वो काम भी जो है आगे बढ़ते रहें, और आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह काफ़ी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुके हैं और आने वाले समय में हम करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे। तो और मगर एक जो बात, आपका इन्यूट से नहीं भी हो अदर स्टेट पे तमिलनाडु मद्रास, कुछ लोग लेबर लोग फंसे हुए हैं अभी भी टेन में रह रहे हैं इस तूफान में, तो उन लोगों के लिए क्या आप कर रहे हैं उन लोगों को गांव में बैक करने के लिए? अभी भी त्रिपुरा का लोग कुछ लेबर फंसा हुआ है अदर स्टेट में, आपका ONGC का ही ONGC का जो हमारा आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ONGC के लोग दूसरी जगह से यहाँ पे जो काम करने आते हैं, देखिए वो तो जो पूरी नेशनल गाइडलाइंस बन रही है, जो MHA जो पूरा गाइडलाइन इशू कर रहा है कि कैसे इंटरस्टेट लोगों का ट्रांसफ़र होगा, उस पर भी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, पिछले 4 दिन से हमारे एक्सरसाइज चल रहा है, जो गाइडलाइन आई कि सब स्टेट में नोडल अफसर बनाए जाएंगे और नोडल अफसर के आपसी सहमति के हिसाब से फिर लोगों को लाने का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो उसमें यह है कि बायर तो अभी आपका पूरा बंद है, और जैसे अब माइग्रेंट लेबर्स के लिए जगह जगह ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो ONGC के जो लोग फंसे हुए हैं वो क्योंकि सारी इंडिया के अलग अलग स्टेट से आते हैं, और हमारे यहाँ भी जो हमने देखा है कम से कम 70-80 लोग जो बाहर से आने हैं वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अब इन 70-80 लोग को अलग अलग फ्लाइट से लाना और अलग अलग ट्रेन से लाना इस टाइप का चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, और हमारा हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में उसकी गाइडेंस के अंडर और यहाँ पे लोकल स्टेट गवर्नमेंट से जो है हमने कुछ मालूमात ऑलरेडी की हैं, कैसे उनको लाया जाएगा, कैसे उनके टेस्टिंग कराई जाएगा, कैसे उनको क्वारंटीन किया जाएगा, वो सब फॉर्मेलिटीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ अभी 50-60 दिन से फंसे हुए हैं कि उनको यहाँ से निकाला जाए, उनकी जगह
जो लोकल पे जो लोग हैं उनका तो हम जो है चेंज कर रहे हैं, जो लोग त्रिपुरा स्टेट में बिलोंग करते हैं वो लोग हमने बीच में उनको चेंज किया है ताकि वो लोग अपने रेगुलर होते रहे, उनको आराम भी मिलता रहे। मतलब कितना लेबर है अभी बाहर से? आप लेबर की बात करें कि ONGC ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं? लेबर की बात, लेबर हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं। हमारे यहाँ जो है सब ONGC ऑफिसर्स हैं। साइट में काम करता है वो? साइट में जितना लेबर है सब लोकल लेबर है, वो जो जितने भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके काम हमने स्टार्ट करा दिए हैं ऑलरेडी। जैसे हमारी पाइपलाइंस के काम चल रहे हैं, हमारे GCS कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, हमारी जो ड्रिल साइट्स जो बनाई जाती हैं उसके जो काम चल रहे हैं वो सब काम हमारे चालू हैं। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे झोराट की एक टीम या 500-600 लेबर की एक टीम थी जो कि यहाँ पे सर्वे का काम कर रही है। जो हम जब एक्सप्लोरेशन करते हैं तो पहले सर्वे किया जाता है, वो 500-600 लोग जब सडनली ये लॉकडाउन हुआ तो हमने इनको हमारे गोजालिया में जो GCS का जो काम चल रहा है वहाँ पे इमरजेंसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की जो है सहयोग से हमने उन 500-600 लोगों को करीब जो है ये 20-25 दिन वहाँ रखा है। उनके लिए हमने एक ऑल्टरनेट साइट तैयार किया है, अब उनको हम वहाँ, क्योंकि अब ये काम करने का जो है परमिशन आ गया है तो वो 500-600 लेबर भी अब एक दो दिन के अंदर हम उनको उनके नए लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं जो हमने रेडी कर दिया है। उसके लिए भी हमने लोकल मैन पावर से ही काम करा के वो नई साइट रेडी किया है। उन 5-6 लोगों को हम 500 लोगों को हम गोजालिया से निकाल के उस जगह पे शिफ्ट करेंगे, वो लोग अपना सर्वे का काम शुरू करेंगे लोकल लेबर, और हमारे जो गोजालिया GCS में जो काम रुका हुआ है तो वो भी चालू बहुत जल्दी 2-3 दिन में हमारे होने की उसके आशा है। तो उससे और भी जो है काम जनरेट होगा यहाँ। लोगों को क्या मैसेज रहेंगे आपके तरफ से जिसकी तरफ से जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे अभी भी गांव का लोग जो देख रहा है रियल पिक्चर में? देखिए ये तो जो है सभी लोग जानते हैं कि इस समय इससे बड़ी आफत हम लोगों के जो है ज़िंदगी में तो हमने देखी नहीं कि पूरा दुनिया जिससे हिला हुआ है, और एक आदमी की गलती से अगर पूरे समाज पर असर आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए एक एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो छोटे से छोटे गांव में रहता है या बड़े शहरों में रहता है जैसे त्रिपुरा स्टेट के जो शहर हैं। हर आदमी जब भी घर से बाहर निकले उसके चेहरे पे मास्क होना चाहिए, और जो है अपना बार बार दिन भर अपना आते जाते कहीं भी हैं हाथ वगैरह धोते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट्स में जब आते हैं सबसे बड़ा होता है कि मार्केट में ऐसा लगता है कि सामान ख़त्म हो जाएगा, मैं सारा सामान खरीद के ले जाऊँ, लोग एकदम भीड़ लगा लेते हैं। सामान की कहीं कोई कमी नहीं है, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सब ये पूरा अरेंज कर रही है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी सप्लाई बराबर मेंटेन्ड है। तो ऐसा कोई घबराने की या ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि सब एक जगह भीड़ लगा के मार्केट में या अपने घरों के आसपास गलियों में कुछ इस तरह का करें। सब जगह लोगों को बहुत ही संयम से और बहुत ही पेशेंस से अपना अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि वो अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे इस वायरस के और फैलने का डर रहे। तो हर आदमी को अपने आप को भी जो है सुरक्षित रखना है, और अपने आप को पूरा जो है हमेशा फेस मास्क के साथ बाहर निकलें, अपना जो भी साबुन से हाथ धोने हैं उस तरह का दिन में कई बार करते रहें ताकि कोई भी ऐसा एक चांस ना हो कि जो हमारा स्टेट अभी तक मोर और लेस फ्री है। 2 केस पहले थे वो ठीक हो गए, 2 कल केस नए आए हैं, उन 2 नए केस को हमें यहीं रोकने के लिए अगर हम सीरियसली पूरा संजीदगी से अगर हम काम नहीं करेंगे और अपने आप को जो है जिम्मेदारी से डे टू डे अपनी लाइफ में अगर हम उसको नहीं ये गाइडलाइंस को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो नेचुरल है कि फिर जैसे बाकी स्टेट्स में और बाकी देश में हाल हुआ पड़ा है वो हमारे इस स्टेट के अंदर भी होने का बहुत डर है। तो और ये अभी हम बड़ी अच्छी कंडीशन में है कि इसको हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं, जैसे पहले 2 केस को ख़त्म किया गया और हमारा ये पूरा कोविड फ्री स्टेट डिक्लेयर किया गया। तो इसको अगर ये जो 2 केस आए हैं इसको देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि ये 2 केस से हमारे 50-100 होते होते हजारों में पहुंच जाए। तो एक एक आदमी का ये जिम्मेदारी है, एक एक इस त्रिपुरा के एक एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि अपनी पूरी जिम्मेदारी से सारी गाइडलाइंस को फॉलो करे और किसी भी तरीके से कोई ऐसा गैर जिम्मेदारी वाली बात ना करे कि जिससे बाकी लोगों की भी सेफ्टी पर असर आए। का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरक नुगुईमान खाना ONGC आगरतला एसेट नि एसेट मैनेजर सर तरुण मल्लिक तैयार उल्कुक फासिंगो नरक नुगुईमान खाना लुकुरक ओ खामटिंगबाड़ी विलेज कमिटी नि क्रिया बरक गरीबिया बरक कंडीशन नि बगै अबहैके तिनि लाइन अफ बासालाइजाक आं जिसिक मानसक सोशल डिस्टेंस मेन्टेन खालाय बरकनि गजार बासानाय बरक बाय कक सानायनि सायटकनाय बेलायखे कैसा जुदा मांगपिलिनादि यागो बिनि खुरिवके चराय गलैती जाक तामनि बागै तिनि अनलाइनआव मा बासा फायका होनमाले जों गोरैयैया लासिनानै मुं साफा नखक गोरै
तीन नक कहम कहम नुखू कहम कहम बड़ रग रंग पैसा तंगफानो माइरों गुरी बेरमा गुरी थक गुरी अब हाई मांगपली रग चीन कैमरा वो चीनी मांगपली कसाई रग नुगी मानखाना मानखा कक सना खुकजुग बुमों तीन बराबर के सगा बहाय नगो सबो सबो दंने दामनी बागै फायगारो माइरं दानानि सबो सबो दं नगो आंनि बुराय आते मखनाय दङ खाय आंनि बिसाय मा बुराय दं बहाय बहाय के दं लायखौ जरा बन्दर र लकडाउन र सबो आजि खा नगो बबहाय क्राइसिस र जुरै जामुं न मुंग्रै हायनो दं खता सबर फाइना फायगान रंग दिनै माइरं सायदोमोन अब हंगे ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी त्रिपुरा नि त्रिपुरा सारक ते अंजी सी नि रंग पैसा बहाई जगह दंग बहाईमा दंग अब हाई नरक दिनै माइरं 10 केजी सम बेरमा थग रग दाल बिदाल 8-9 आइटेम या फार जगह मागाना मानै बहाईमा दंग नुगैमान खाना इनबान हाथी बारसा चाय माननाय बरक माइरं 10 केजी दलाइखे स्रांगानी कक हाइपान आं तै खरसा सोबाय कक सानाय नानानि बुमुं तामा सानदामारै रफेनि बाराखे खामथि दामनि बागै तिनिर फायमानि सायजामान जों लदनि बागै मासै आमानि यानि बागै जना माइरं सायजोर नानि बागै जों नाना फायो ओंखाय नग आजिनै गोरै आनि बुसला बांसा त हैदराबाद ओ माते 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 आव जों छेम खबर खजों नाय त कक सहर ओंखाय कामखायमाया ओंखायबा आंबो कामखायमाया आंनि फिसा मासा सिं ओंखायबा आंबो मालाय दंखाता बाहाय नों सुबासु साननाय लकेल MLA रग्न लकेल BDO रग्न निनि सानो कि फिसबुक मानानि अब आंखाय न बर' अ लकडाउन माने बाछे बारे रोग बाछे चार तारीख खलना हेना माने खानाबा तासे बारे रोग ओंखाबा तै दुई सप्ताहसे बन्द होननाय सालाय ओंखायबा आंनि सेलायबा आं कम साखा ओंखाय बन्दसे बारे रोग ओंखाय नरग तामसानानै ओंखाय कम्पानि सारै दङ ओंखायबा कम्पानिसिम माइ सारै दं ओंखायबा रां फैसा नाङा होनदे ओंखाय आमा आनो रांखिसा रहति ओंखाय बाहेराव माने आं आसाजिमै ओंखाय जोंखौनो जोंबो मावफा बुसलाबाय जोंखौनो ओंखाय आमा दङ आबो आं सानजों दगायजागै थांखा हायदराबाद गामखायनानै थामाता हटेल ओंखाय दल गोबां मानो बर' दल गोबां मानो दङ ओंखायबा दाबो जे लकडाउन मान जरानि बर' कामबो खायमालिया हाय कम्पानि सारै दं नै आना साहरता ओंखाय दा कम्पानि सारै सिगाङो लकडाउन नानि सिगाङो आनो बो आनो रां रहरद फिसा 9,000 रहमानि ओंखायन ओंखाय लकडाउन नायनानै खानामाबा ओंखायबा फायो अ लकडाउन यासिनि आं फायनानै आमा आना रां रं फिदि ओंखायबा रां गिफिदै रहमाबा खराब सब बन्द ओंखायबा फैमालि आदाब ओंखाय दाबो जाय तारिखआव खलना होनो आमा आं फायरोनानै ओंखायबा अख्रखाबा आं बयनो फांखि जामसिया सायजो सारायो आं गारिबार रहरानो ओंखाय नरंनि मेनेजारबा टाउन हन रां फैसा दै रना खक ना गारिबार रहना खक नोमबा रहगला आमा आनो दुइ 3,000 रह दे नोंखाबा ओंखाय आं बयनिफ्राय आं बयनिफ्रायबो सलक आरि रग सानै रहनाय होननाय दङबा अ 4 तारिखआव खलक याता 2 सप्ताहसे बारे र' ओंखायबा खबर खोनाव ओंखाय गथ'फोर रग सालायो ओंखायबा थायमालि आं दं खाजा दं ओंखाय ओंखाय दा कय मास जानो बन्द दं दं न थायमाय ओंखाय बसर दे गरक न बसर बन बसर गरक खाद्य बरक बसर दे आरो काम खाय खाय दं मानोबा नुगैमान खाना गुमाङै बिनि सानि बागै बिनि साजलानि बागै बिनि मखलतिनि मुख्रि अरजाक बुमुं समीर समीर हायदराबादक साजाक खायमानिया लकडाउननि बागै लकडाउननि बागै यागो रां फैसा गोरैखा बुमाङै खा खामजाक फायदामानो मानिया माइदा मासा माजाया बेसेला आगिले नगसे रां रहरि दंमानि दाबो खुंगांखे चुगिया केबो आजिनाय गोरै हाइपानो रां फैसा गोरैनि बागै सन्दै दाबो नगसे रां सानहरनानै नांगौ बाहाय मांगलि दं आं हाइन हाइ कक सानानि सायजोबनाय SC ST OBC वेलफेयारनि आदं रग बाय बरबटिनि र' फायसक फायजाक
এটাই আপনাদের প্রশ্ন, এর আগে আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন, আপনাদের পক্ষ থেকে কি কি সাহায্য করা হবে এবং কতজনকে টার্গেট করা হচ্ছে, কিভাবে আপনারা এখানে এসেছেন, এটাই ডিটেলস একটু। আমরা সর্বপ্রথম যখন ভারতবর্ষে COVID-19 মহামারী আরম্ভ হয়েছে, ওনজিসির সমস্ত জায়গায় জায়গায় ইডার ইএনসিসিএসের ফান্তিকা উদ্যোগ নিচ্ছে গরিবের সাহায্য করা লেগে, শুধু ওনজিসি আজকা এই COVID-19 মহামারী না, সমস্ত বিপদ যখন ভারতবর্ষে গরিব মানুষের পাশে দেয়, সেই অনুযায়ী এইবার আরও বড় পদক্ষেপ আমরা নিছি। প্রথম ত্রিপুরাতে যখন এরকম লকডাউন শুরু হলো, 7 দিন পরই প্রথম আমরা ওনজিসি থেকে ওবিসি ছোট্ট একটা এসেছেন, আমরা ত্রিপুরা চিফ মিনিস্টারের রিলিফ ফান্ডে আমরা ওবিসি মিনিস্টার রতননাথের রাতে আমরা ওবিসি এসেছেন 25,000 টাকা আমরা চেক একটা দিয়েছি। তারপরে আমাদের 4টা ইউনিয়নের মিললে যে আমাদের ফান্ড ছিল, এই ফান্ড নিয়ে প্রথম ফার্স্ট আমরা কাজ করছি গাবদি এরিয়াতে ট্রাইবেল উপজাতি বস্তি এরিয়া গরিব মানুষের সে সাহায্য এখানে দিছি প্রায় 400 লোকের মতো, এবং আমরা ভাদারঘাট এরিয়াতে দিছি। এখন আবার আমরা 4টা সেশন মিল্লা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং যে ম্যানেজমেন্ট যে আমাদের যে সিএসআর ফান্ড আছে সারা ত্রিপুরা আমরা জায়গা জায়গা গরিব মানুষের হাতে তুলে দিবো, ইহা নিয়ে আজকে আমরা আজকে চম্পনগর এই আশিরাম পারে থাকা এবং বর্মুরা খামতিং বাড়িতে আমরা আইছি, এবং আগামী দিন আমরা ব্যাপকভাবে গরিবের সাহায্য করতে পারি, এবং সরকার যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে হেলথ এটা মেনটেন করিয়া আমরা অনুরোধ করবো এরিয়ার সমস্ত উপজাতি ভাই বোনদের কাছে এটা যাতে না ছাড়া সরকারের ইনস্ট্রাকশন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে যে নির্দেশ আছে সেই নির্দেশটা সবাই যাতে আমরা পালন করি, আমরা সুস্থ ভালো থাকার জন্য এটাই আমার আবেদন থাকবো, এবং আপনাদেরও আমরা পাশে চাইছে পাশে আছে চাই মিডিয়ারও এটা সাহায্য করুন আমাদেরকে এবং সমস্ত মানুষের, এইগুলি আমার এখানে বক্তব্য। আরও 14 দিন লকডাউনের মেয়াদ এই তৃতীয় দফায় বাড়ানো হয়েছে, পরিস্থিতিটা কীরকম সারা রাজ্যের, কীভাবে মানুষ সারাদিন যে প্রতিনিয়ত চাল ডাল দরকার এটা পাচ্ছে, সরকারের তরফ থেকে যেভাবে সাহায্য করা হচ্ছে এগুলি কি বিলি বন্ধন ঠিকভাবে চলছে, কী কীরকম পরিস্থিতি দেখেছেন আপনারা রিমোভ এরিয়াতে ভিজিট করছেন এভাবে মানুষকে সাহায্য করছেন? মোটামুটি ভালো সারা করছে, ভালোই কী বলবে দাদা, কী মেসেজ থাকবে মানুষের? ঠিক আছে, এই মেসেজটা সরকার দেখলাম যে আমাদের যে বর্তমান সরকার বিপ্লবের নেতৃত্বে সরকার যখন সমস্ত রিলিফ প্ল্যান্ট সারা ত্রিপুরাতে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, আমরা বিভিন্ন রকম আপনাদের মিডিয়া এবং পত্রিকার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি সরকারের যে কাজ চালাচ্ছে এবং সঠিকভাবে চালে, কিছু কিছু লোক পিছন থেকে বিভিন্ন রকম ইয়ে করে, কিন্তু সরকার সজাগ আছে এবং সঠিকভাবে চালাচ্ছে, এবং সরকারের আমি অনুরোধ করবো আপনাদের যে মিডিয়ারা আছেন আপনারা সহযোগিতা করুন, আমরাও করি, ত্রিপুরার জনগণ ওনজিসির এমপ্লিরাও আছে, এবং আমরা তার জন্য আমরা সরকারের কৃতজ্ঞতা জানাই আমার অভিযোগ। আপনার শুভনাম এবং আপনার? হ্যাঁ, আমার নাম যে নিতাই দেবনাথ, আমি ওবিসি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিপুরা ইউনিটের। খুবই ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য। নরকনগর ইমান খানা ওবিসি অ্যাসোসিয়েশন বরক বহাইন অঞ্জিসিনি লগে তিনি সেগাঙ্গি ফাইজাক লুকরক সুবাস খাইনি বগেই হ্যাঁ হাই নহাই খরচা চাকরা বাইক কক সানাই দাদুনি নিব্বু মংটা মতে কামি বরলে বড় আমি সাব সাবতং নব সাবরক আজি আশেক দিন কলকমা পুইলা 21 দিন আবার ইয়াগ 14 দিন তার তাই 14 দিন বদ্ধতং ফিরনাই বদ্ধ চলে ফিরনাই কে বাইকে চালাইতং তামো তামো করি রকম খা নগ মাইরং করি রক গদাং খা পায় ইকো হাইন চালাই মাতং তা কি হেমি সে উলে বড় খালাই নাই ইকো কনই হাইন চালাই মাতং ভাই তিনি তামনি বাকি তিনি লাইন বাসাই দং যেমন সুবাহ নাম্বা হয়েছি লোক ওনজি সির আবার মানে বেলা আং খা তং থাকি পারো না হামবাই মারো যেন করি পারো না ভাইকে সুবাহ নাম্বা হ্যাঁ হাই নহাই তাই খরচা সাকরা যে নানা নিন বুম তাম পারালে বড় মুদুক কিনা আরো কিনি আরাকে বুড়ো সাবো সাবো তং নিন নগ সামা কনাই আমসুক মাসা সাবো সাবো আজি সাবো সামং খাই সাবো আজি জং ন আজে গো এ আ দিন কলক মাবো বেরমা ক্রি রক ঠকরি রক আলু ক্রি রক দাঙ্গা লামন তং তে তা হাজিরা
बांगी माइरू रगमागना माननाय समस रगमागना माननाय बाहिमा दं जो बरक हमबायरनानि बखा सराय सराय के कक सानानि बुखुक पेरै साना रोङि आफानो बखा बिसिं बिसिं अबो हाइके दिनै अनजिसि एबा ट्राइबेल इंजीनियर सोसाइटी त्रिपुरा मथाबाई जे चुबा चुख्लाइजाक दंमोन बेलायखे खाका हम याफाल्लाय बाक्सा सानानि सायतखा याङबो हेनो केबो बाथाजाक केबो आचुकजाक आं आचुकजाक खरसासिक बाय कक सानाय बुखुक जिक खरसा आचुकजाक दंनि बुमंतैनि पारा बर किसा सायखना आनि बुंसि आमि पारा जार नंबर साबो साबो दंनि नबो आनि बिसाय दंङ काय आनि बिसार दंङ बाइके चालायखा न लकडाउन जराबो सामुं रक मातांगिया थग रक रिबियार मा ग्रि रक खा सालबसे ग्रि खा बाहाय एक सप्ताह राव करै अंगै दोंता बाइके चालायखा आहाय बेराम सिखाय जाय दों मग मगना रमन राव आबो राव जाय दोंता हायनो हाय दै खौसा बुखुक जिक निनि बुमंले तमनाना निनि पारा बर कोब्रो बिसिमाया आं इराम कई नमोल सोम कंठी और शब शब तो नहीं नोगा चला 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 कनई तोंगो को ब्रेक ब्रेक कनई तोंगो अंकाय अं कैसा मुतक इमिटी नो अनि चला कैसा नगो नगो अबद्दनि फुरु माइरंगिरि रगदांखा बेरमाकिरि रगदां मारियु बुक्रै बेरमान बुक्रै मस बुक्रै एपाक क्रै ओङो बाइके चालायखा हाय तं खाता हाय तं नै बायसा बायनाय बाखा दाननानै तं तं तंता नों गदन मल सम नाना नों मादा मान कक बरक मानिया किसे किसे मानो बुमंग तमो रायदन मोलसो बहाय ओ बद्दवत सिं जतनि नगन आबो सिं गरि मानि या चिनि जतनि नगो से माइरं क्रिं खा बेरमा क्रिं खा दुगा नगो मान थगलिया के निनि नगले बहाय खा आनि नगले बहाय ओना बा ओ किसा मेसा बायसा बायनाय माइरं मकना ओ लग दबनि बगै जरै दंखा रंग आरजे मानिया अंखा माइरं किसा मारेखा सम राव बेरमा राव बराव मारे मारेखा गाय आबराव मजा खाता तिनि मागनां माननाय बहाय एकदम नां माने जराबो बाहाय मा दं बेलाय हामखा तिनि माइरं मागना मान माने हामखा हामखा लकडाउननि बागै जों बखा दंथखाता बैले गेस सिलिन्डार बमाखना मानो जोंले मानलिया आबो फिसा बुखा नाङै दङ दा आव हायनावहाय आं कक सानानै सायथनाय यां उलखौ खासिङबो थैबो साक्रा रग साक्रा जोगसं बासालायजाक आसुगलायजाक रक्सा बुखुक जिग दङ निनि बमंले दाइनि पारले बरस किनु तिरा हे बुरुग दुंगिया नों मारा मान कक बुरुग मान बमंग तम पारा बर कांतो कांतो मौसम पारा के कमथिंग कमथिंग तिनि लकडाउन आसुक दिन गलक मांखा बद्दंखा नगो माइरुं करि रक बेरमा करि रक मसक करि रक दंखा ओ बेरमा बकरै मोरसो बकरै सम बकरै ओंखाय ओंखाय चाखा ता करे खाय ओंखान तो ओंखा तो ता अब जैसे नो ओंखा बाहाय तीन मागना मागना माइरुं रोग थग रोग मान के गाहाम दाङो गाहाम नो सिं जेसुक मानसाक बरक कक बरक मानिया फानो सिंलायनानि सालायनानि जायतखा दै सायमानानि जायतखा बरक अ लकडाउननि जराबो बाहाय बाहायखे जोंजाल' दंनानै नांखा सालबेसुक एबा वायबेसुक बरंनि नग' माइरुं बेरमा थग ग्रि ओंखा
तेब हाई तीन जगह ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी त्रिप्रा मथानी लुआ जी मूंगाई अंजीसी सुभा सुबाई हाइन हाई तीन खामतीबाड़ी विलेज कमिटी आम चाहिए तीन ओ जगह बीलो लाइजा लुपुरको सुभा सुखलाइन बगै तीन और कैसा प्रोग्राम एवं पान्डा संजामी जो नुगैमान जिन नुकैमान कैसा तई कैसा बासा लाइमान सोशल डिस्टेंस मेन्टेन खाई ओ जगह लाइन बासा लाइजा बड़क नासिंगलाई टंगायो बागनानी बागजागनानी बगै आनी बुखुगो नरक मांगली जे नाइट टंगनाय रखनि मानो मास्क थुब जागिया हनै जों साब्रुमब्रुम मास्क थुमांसिनि आनी खुद यां खुन जो सामानि बगै दिने आं मास्क युज खालायमानलिया तिरपुराबो मियानि सालनो करोना फ्री स्टेट हाकतर हाफांनि बखाखै अनाउन्स खायजाक माने पियाबा जों नुगैमान खा मियानि सालते खरकनि बिएसएफनि सागो करोना पजिटिव रिपोर्ट थैमानी यागलो हाइन हाई त्रिपुरा कोरोना फिलिया अब हाईके जो मांगली गई थैमानी एवं दाउ सजागे दौमानी जो नुगैमान था तबको बी एस एफ खरक नहीं न आगरतला जी विशा खामनगो ब्रह्मी ट्रिटमेंट चली दंग जिंगाबो नि बगै तई खरक नहीं जेहेतु तबक आगे के हनी मानो चीनी त्रिपुरा हासेव कोरोना भाईरस गिरीखा क्या तबक खेत गिरीखा हनी मान लिया नुगै मानो चीनी गाना गिनी वनो जो हाथी थानपुर न तई खरसा कोरोना मान जाबाई जो रंग रगो मानी रगो फाइ मानो आबन बगे बेल किमा सिंसा कमी आम चाहिए लुको रख आबन बगे चीनी खरानी कहनी मूसंगो जो हाथी थानपुरु अबहाई पंचायत रगो फाइपुर मानी नाहरपुर स्ट्रिक्टलि जो मानी रगना बगे मास्क थोबना बगे मानखे याक चीन सबान बैसूना बगे फातारो फाइ नगो किफिल कहे नगनी नगो हाबियासी सिगां न याग्रक सूई मोखां रग सूई याकों याग सूई मानखे टुकु यासाक नगनी बिसिंग हाबियात टंखे न चाकगो जो वन सगो आपुर जो अब हाईके स्ट्रिक्टलि टी मानखे जो करोना भाईरस योगी माननाय ओ भाईरस यागनी काटिनानी तई मूसाफानो बिथि गरी मूसाफानो ट्रिटमेंट गरी ट्रिटमेंट एवं बिथि गायसान ओ भाईरस बै जो हाकसाला टंगानी एवं मानजागिया टंगानी बगै आबानी बगै हास्टेनि लुपुरकनो जो गयनानी मूसंगो एटलिस्ट जो हाथी रगो थांपुरु बाजारो थांपुरु गायसा तई गायसा जे एक मिटार दुई मिटार हाकसाला कक सालायनानी मानैखोनो याफालायमा बेलाय हाकसालके टंगै याफालायनानी हेन्डसेप लाया टंगायनानी तई खरकसानि मानै मोबाइल लग युज खायनानी सिगां नों सेनिटाइजार एबा गाहामके दै रग बै याक सुइ युज खायमान खांके बेलाय जाखगो बेलाय बेलायखे दिनि आमचानी लुकुरक खासरंगजाक उंगियांगिया हनपानो पास छय दिन तिनि दस केजि माइरं चावै माना हनै लुकुरनि खुब फैसाजोंनि जों नुगैमोनखा अब हाइगेन ट्राइबेल इन्जिनियार सोसाइटिनि बखाखै ओ खामतिंबारि आमचाय सिमिया अबनिसाय सिगां सम्पक नगरतै चाम्पाबिरि आमचायो सिमिया दालबिदाल भिलेज कमिटि ओ दालबिदाल ब्लक आमचायो बरक मथानि बखाखै याफार जागै दं अब हाइ दालबिदाल सुबाचौ तै बरकनो सुबाचौ खलाय दं अनजिसि हासेनि तिरपुरा एसेट अनजिसिनि गोबांमा टांगकरा रगो जरो फाइसक बायजाक बरबायबो जों कक सालायखा मानखांखे मोसांनि जरा रगो दालबिदाल आमजायनि दालबिदाल मांगलिनि रगनो फुरुङानि सायथबाय नरक सयै नायथंनि चिनि खरा रंजित Oh,
शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाय एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी सरूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिले ना दूर है यहाँ पे दिल ताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाय हमारा आशिया है यूनिवर्सिटी त्रिपुरा।